आतंकवादी संगठन है जैसे मोहम्मद। जैसे मोहम्मद का क्या अर्थ होता है? मोहम्मद साहब की फौज। कौन मुसलमान है जो मोहम्मद साहब की फौज नहीं है? दुनिया का जब पहला कलमा तैयब तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदु रसूलल्लाह, यही जब कहा जाता है कि पहला कलमा तैयब तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, एक उसका मुहम्मद रसूल है ना, बाकी कोई नहीं है, पहला कलमा इसका अर्थ है। पूछ लीजिएगा किसी मौलाना से, मैं चैलेंज करके कहता हूँ किसी मौलाना से पूछ लीजिएगा, पहला कलमा जब बच्चा पहली बार जब मदरसे में जाता है तो उसको क्या पढ़ाया जाता है? पहला बार पहली बार बताया जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह, ठीक, अल्लाह एक है, उसका एक पैगंबर है, बाकी माबूद कोई नहीं है। उसको यह बताया जाता है कि इस धरती पर जो कुछ भी है वो सब अल्लाह का है, ठीक, संपत्ति, औरत, बच्चा, धन सिर्फ अल्लाह का है, बाकी कोई रहने वाला नहीं है। तो वो जब जहाँ ऐसी सोच बताई जाएगी, जहाँ ऐसी शिक्षा दी जाएगी, तो भैया वो क्या करेगा? जितने लोग बात कर रहे हैं ना, सरकार को दोष दे रहे हैं, चाहे वो राजस्थान की सरकार को दोष दे रहे हैं, भारत सरकार की दोष को दे रहे हैं, मुसलमानों को दोष रहे हैं, कोई दोषी नहीं है। एक लाइन की बात समझ लीजिए, दोषी है वो आसमानी किताब और दोषी है वो जहाँ पढ़ाया जाता है। एक लाइन की बात कह रहा हूँ, इसलिए कि व्यक्ति व्यक्ति के अंदर सोच, वह सोच था ना, उस व्यक्ति को अगर संविधान की बात पढ़ाई गई होती, मौलिकता की बात पढ़ाई गई होती, सिद्धांत की, वो क्या कह रहा है, उसकी बातें सुनिए कि मोहम्मद के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। वो साफ साफ तो आवाज में, साफ साफ आवाज में कह रहा है ना, ठीक। लेकिन यही मोहम्मद साहब, यही बात जो नूपुर शर्मा ने कहा वो किताब में लिखा है, तो पहला दोषी कौन? वो किताब लिखने वाला, ठीक। दूसरा दोषी कौन? जिसने उसको प्रचारित किया। तीसरा दोषी कौन? जाकिर नाइक। चौथा दोषी कौन? जो पाकिस्तान के मौलाना चिल्ला रहे हैं। पांचवा दोषी कौन? सऊदी अरेबिया, जहाँ के मौलाना ने स्पष्ट किया कि हाँ यस ये हमारे किताब में लिखा है। तो भैया जब ये सारे लोग कह रहे हैं, तो और नूपुर शर्मा ने वही चीज रिएक्शन में कहा, उसके बदले में एक बच्चा अगर लिख देता है क्या, सिर्फ कि नूपुर शर्मा का मैं समर्थन करता हूँ, उसके लिए उसका गला काट दिया जाता है, तो ये क्या है? यह पूरे भारत में 100 करोड़ लोगों को यह बताया जा रहा है कि तुम सरकार चाहे जितनी बना लो, धन चाहे जितना कमा लो, संपत्ति जितना बिटोर लो, सब कुछ मेरा होने वाला है। एनआईए के जांच में ये भी पता चला है कि जितने लोगों ने गर्दन सर कलम किया है, ये पाकिस्तान में जाके कुछ महीने ट्रेनिंग लेकर आए थे, वहाँ से इनके फ़ोन कॉल के भी डिटेल्स मिल रहे हैं। तो आज हमारे अगल बगल कौन पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, कुछ तो ऐसा पता भी नहीं चला। कोई पाकिस्तान वाकिस्तान से ट्रेनिंग नहीं लेकर आ रहा है भाई साहब, ये सब एनआईए वो बताने वाली बात है। वो सब बता दिए हैं कि हम पाकिस्तान गए थे, ट्रेनिंग लिए थे, ये वो। भाई साहब 30 करोड़ लोग आपके वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, उसी समय जा रहे हैं उस स्कूल में, उस किताब को पढ़ रहे हैं, क्या बात करते हैं आप लोग? बार बार वही कह रहे हैं एनआईए सरकार फला डबा का, यार 30 करोड़ लोग पढ़ के बैठे हुए हैं, सबके सब आतंकवादी हैं। जो मोहम्मद, जिस मोहम्मद को वो चाह रहा है, वही मोहम्मद को वो नहीं चाहते हैं। वो कल क्या मौका मिलेगा तो नहीं छोड़ देंगे आपको। कह रहे हैं कि असली जड़ वहां है, झूठ मूल में आप लोग। इस्लाम में तो ऐसा है नहीं, कल से तमाम लोग ट्विटर में लिख रहे हैं इस्लाम ऐसा सिखाता ही नहीं है। तो डिबेट कर लो, भटक क्यों पड़ी है? नूपुर शर्मा की बातों पे लाओ किताब तो लाके, क्यों मुकदमा लिखाओ और ले चलो कोर्ट में ही साबित कर दो, है पिछवाड़े में दम, बुलाओ अपने असदुद्दीन ओवैसी को, जितने मौलाना है ना आदनी पत्नी जो भी है, आ जाओ सामने, तुम्हारे किताब में प्रूफ न कर दे, एक हिंदुस्तान का एक एक हिंदू बच्चा प्रूफ न कर दे तो तुम्हारी औकात बता देंगे। ये सब झूठ बोलते हैं, उसके किताब में से लेके सारे लोग जानते हैं। चलिए ना YouTube पे निकालूं, 1 लाख लोग, 1 लाख चैनल हैं जो बता रहे हैं कि हाँ ये किताब में लिखा हुआ है फला वर्सेज फला वर्सेज फला, लेकिन सारे मौलाना आके गद्दारी करते, झूठ बोलते हैं कि हमारे किताब में इस तरह, क्या जाकिर नाइक कौन? नूपुर शर्मा ने सच उजागर कर दिया, इसीलिए इस तरह की घटना। हाँ, जो मोहम्मद का चरित्र है, जो महमूद महमूद इनके किताब हैं, जो इनका असली विजन है और मिशन है,
उसको यह देश पढ़ रहा है, उसको यह देश समझ रहा है, उसको यह देश जान रहा है। असली दर्द वहाँ है कि कल अगर भारत का बच्चा बच्चा जान गया और इन यह जो 700 800 साल से जो छद्म आवरण बना रखे हैं, है ना, कहते हैं मुंह में राम बगल में छुड़ी, समझ रहे हैं कि मैंने इस जितने मुहावरे 700 साल में यह सब ये वामपंथी, ये वामपंथी और ये कांग्रेसी, ये इस तरह का आवरण ओढ़ा रखे थे इस्लाम के, और ये बॉलीवुड, ये सब इस तरह का आवरण उठा रखे थे कि इस्लाम बहुत अच्छा है। वो इस दरअसल इस देश के लोग, देखिए हम लोग एक इंटर में पढ़ता था मैं, तो सरदार पूर्ण सिंह ने लिखा था कि आचरण की सभ्यता मौन रहती है, समझ रहे हैं, कथनी और करनी में अंतर होता है। आज आप मदरसे पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब भी मदरसे पे सवाल उठा, जैसे हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि असम में मदरसा बंद हो जाए, लोग कह रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा को ज्ञान नहीं है, दिन की शिक्षा लेना क्या अपराध हो गया क्या? बिल्कुल अपराध है भाई साहब, अपराध है, इसलिए कि चूतिया नहीं है फ्रांस, फ्रांस चूतिया नहीं है कि उसने बैन कर दिया, और सारे दुनिया में आज इस पर चर्चा चल रहा है और बैन हो रहे हैं। चूतिया नहीं है चीन, चूतिया नहीं है चीन, चूंकि हम अभी समझे नहीं, हम 100 साल पीछे चल रहे हैं। इस इस्लामिक गणित को, विचारधारा को, गंदी सोच को चीन समझ लिया, रसिया समझ लिया, जापान में इनका बैन है, अमेरिका में जाते हैं तो इतना मोटा हाथ इनके विशेष स्थान में डाल के चेक करते हैं, समझ गए ना, वो देश समझ गए हैं कि इनके साथ कैसे ट्रीट कर। कब तक समझेगा भारत? अभी नहीं समझेगा, जब तक इस तरह से, जब तक 2-4 लाख कर लोग ये काट नहीं दे जाएंगे, जब तक हर हिंदू के गले तक बात नहीं पहुंचेगी, तब तक इस देश का हिंदू नहीं समझता है। वो जिस तरह से मुर्गी होती है ना, मुर्गी कटती है ना, एक को निकालो तो दाना डाल देते हैं तो वो अंदर खाती रहती है और मुर्गी दूसरी कट जाती है, वो तो अपने खाने में बिजी है। उसी तरह से यहाँ के हिंदू, जब तक हर हिंदू के गले तक मामला नहीं पहुँचेगा, तब तक उसको समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हैं।